फिल्म की शुरुआत एक नर्स से होती है जो धीरे से एक अंधेरे कमरे में जाती है। वो अपने कैमरे के फ्लैश से उस जगह को स्कैन करती है। तभी अचानक कहीं से एक परछाई आती है और उस पर हमला करती है। फिर एक घातक सिरिंज उसकी आंख में घुसा दी जाती है, जिससे उसका शरीर खौफनाक तरीके से ऐंठने लगता है। थोड़ी देर बाद नर्स की मौत हो जाती है और हत्यारा उसके शरीर को वहां से खींच कर ले जाता है। अगले सीन में हम डॉक्टर रोजेट से मिलते हैं, जो एक निजी अस्पताल चलाते हैं जहां केवल कोमाटोज रोगियों का इलाज होता है। वो अब अस्पताल के डीन के साथ एक बैठक में है, जो उसके रिसर्च के स्टेटस के बारे में पूछता है। रोजेट जवाब देते हैं कि वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन डीन उसे वार्निंग देता है कि अगर वो जल्द ही काम पूरा नहीं करता है तो फाइनेंसर्स अपना पैसा वापस ले लेंगे। दोपहर में कैथी जैकवार्ड नाम की एक नर्स नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वहां आती है। वहां वो हेड नर्स कैसिडी से मिलती है, जो थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर रोजेट कमरे में आते हैं और कैथी से कई मेडिकल सवाल पूछते हैं। कैथी उन सभी सवालों का कॉन्फिडेंट और एक्यूरेसी से जवाब देती है, इसीलिए रोजेट उसे इस पोस्ट के लिए छून लेते हैं। इसके बाद कैथी को उसकी यूनिफॉर्म मिलती है और पाउला नाम की एक दूसरी नर्स उसे अस्पताल का दौरा कराती है। इस दौरान पाउला बताती है कि कैसिडी असल में डॉक्टर रोजेट की बेटी है, हालांकि वे अपने रिश्ते को सीक्रेट ही रखना पसंद करते हैं। वो ये भी बताती है कि कैथी से पहले की नर्स रातों रात गायब हो गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर क्यों। इसके बाद पाउला कैथी को पैसेज से नीचे जाते समय हर एक मरीज से मिलवाती है। वे जल्द ही रूम नंबर 15 में पहुंचते हैं, जहां पैट्रिक नाम का एक युवक सालों से कोमा में है। पाउला बताती है कि डॉक्टर रोजेट पैट्रिक पर विशेष ध्यान देते हैं और उस पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाकी रोगियों की तुलना में पैट्रिक का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है, इसलिए कैथी उससे मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो अचानक उस पर थूक देता है, जो कि कैथी को बहुत ही घिनौना महसूस होता है। बाद में जब कैथी अकेले ही फर्श साफ कर रही होती है, तब उसे एक अजीब अलार्म की आवाज सुनाई देती है। वो पलटती है और एक जख्मी चेहरे वाले आदमी को देखकर डर जाती है। कैथी का डर के मारे बुरा हाल होता है। इतने में पाउला वहां आती है और बताती है कि वो आदमी मिस्टर फ्रेजर है, जो उनके रोगियों में से एक है। ये पता चलता है कि फ्रेजर एक धमाके में घायल हो गया था, लेकिन डॉक्टर रोजेट की वजह से वो कोमा से जाग गया। पाउला फिर कैथी को फ्रेजर के कमरे में ले जाती है, जो घड़ियों से भरा हुआ है। वो बताती है कि हर दिन शाम 7 बजे फ्रेजर यहाँ पास के लाइट हाउस को चलाने का काम करता है। उस रात बाद में कैथी अपने कमरे में फेसबुक स्क्रॉल कर रही होती है, जब उसे अपने पूर्व प्रेमी एड का कॉल आता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है और उसका फोन नंबर भी डिलीट कर देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये पाउला होती है, जो कैथी को बाहर घुमाने ले जाना चाहती है। कैथी भी मान जाती है और वे दोनों ड्रिंक करने के लिए बार में जाते हैं। वहां पाउला उसे ब्रायन नाम के एक शख्स से मिलवाती है, जो एक साइकायट्रिस्ट है, लेकिन वो ज्यादातर रेडियो शो लिखता और होस्ट करता है। कैथी से मिलने के बाद ब्रायन उसे पसंद करने लगता है। वहीं कैथी के लिए भी ब्रायन के लिए सेम फीलिंग्स है। अगले दिन डॉक्टर रोजेट कैथी को रूम नंबर 15 में ले जाते हैं, लेकिन उसे वार्न करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर पैट्रिक से बात न करे। एक बार जब वे अंदर पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो पैट्रिक के शरीर के कई हिस्सों पर इंजेक्शन लगाते हैं। फिर डॉक्टर रोजेट उसके दिमागी गतिविधि की जांच करते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे वो बहुत निराश हो जाते हैं और एक्सपेरिमेंट को छोड़कर अचानक वहां से चले जाते हैं। फिर सीन एक हफ्ते के बाद दिखाया जाता है, जहां कैथी पास के एक म्यूजियम में जाती है और ब्रायन से टकराती है। जब वे बातचीत में लगे होते हैं तो उसे एक अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आती है। ब्रायन कुछ समय के लिए इसे अनदेखा करता है और उसे कॉफी पर इनवाइट करता है। वो खुशी से मान जाती है, लेकिन फिर वो अचानक उस पर थूक कर जवाब देता है। कैथी को ये बहुत घिनौना लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली शाम ब्रायन उसके घर पहुंचता है और जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे याद नहीं है कि उसने उस वक्त क्या किया और उससे माफी मांगता है। कैथी अभी भी उससे नाराज है, लेकिन बाद में वो उसे माफ करती है और उसे अंदर बुलाती है। फिर वे शराब पीना शुरू करते हैं और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं, लेकिन उनकी ये शाम कैथी के पूर्व प्रेमी एड के वहां आने से खराब हो जाती है। एंडी कैथी से सुलह करने वहां आया है, लेकिन कैथी को उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। हालांकि जाते वक्त एड कैथी को अपना पता देता है और कहता है कि जब तक वे अपने मुद्दों को हल नहीं कर लेते, वो ये शहर नहीं छोड़ेगा। इस घटना से कैथी का मूड खराब हो जाता है
और वो ब्रायन को भी वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही ब्रायन जाने के लिए तैयार होता है, उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। इससे वो गलती से एक गिलास तोड़ देता है, जिससे उसका हाथ गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर कैथी उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाती है और उसके बाद घर लौट आती है। उस रात ब्रायन अचानक उसके घर वापस लौटता है और वे इंटीमेट होने लगते हैं। हालांकि दोनों का प्यार चरम पर चढ़ता है। कैथी को ब्रायन की जगह पैट्रिक नजर आता है। ब्रायन का चेहरा अचानक पैट्रिक जैसा हो जाता है और उसकी त्वचा मम्मी की तरह मुरझाने लगती है। कैथी डर के मारे चीखती है और जल्दी ही अपनी नींद से जाग जाती है। पता चलता है कि यह सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। अगले दिन कैथी काम पर पहुंचती है और डॉक्टर रोजेट को पैट्रिक पर अपने दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करते हुए देखती है। उसके जाने के बाद कैथी पैट्रिक के पास जाती है और वो फिर से उस पर थूक कर रिएक्ट करता है। इससे वो भड़क जाती है और तुरंत उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन जब पैट्रिक रोने लगता है तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वो पैट्रिक से माफी मांगती है। अजीब बात है कि वो फिर से थूकता है और तब कैथी को एहसास होता है कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसे हाँ के लिए एक बार और नहीं के लिए दो बार थूकने के लिए कहती है। इसके बाद कैथी उसके शरीर के अलग अलग अंगों को छूना शुरू कर देती है, जिस पर पैट्रिक थूक कर जवाब देता है। अब कैथी बहक जाती है और पैट्रिक के लंड को भी छूती है और देखती है कि क्या पैट्रिक को कुछ महसूस हो रहा है या नहीं। दुर्भाग्य से हेड नर्स कैसिडी उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। हेड नर्स कैथी को पैट्रिक से बात करने और यहां तक कि उसे अनुचित तरीके से छूने की कोशिश करने के लिए डांटती है। कैथी बताती है कि पैट्रिक होश में है, लेकिन कैसिडी इस पर यकीन नहीं करती। ऐसा लगता है कि कैसिडी इन सभी मरीजों से तंग आ चुकी है। जब वे बहस कर रहे होते हैं तो डॉक्टर रोजेट वहां आते हैं और कैथी के दावे का सबूत मांगते हैं। फिर कैथी उसे पैट्रिक के पास ले जाती है और उसे थूकने के लिए कहती है, लेकिन इस बार पैट्रिक कोई रिएक्ट नहीं करता। डॉक्टर रोजेट निराश होते हैं। वे कैथी को समझाते हैं कि थूकना असल में पैट्रिक के शरीर में लगाए मेडिकल डिवाइसेस के इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ था। उस रात बाद में हम पैट्रिक के कमरे में कंप्यूटर को अपने आप चालू होते हुए देखते हैं। ये पता चलता है कि उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं, जिससे वो बिना छुए चीजों को कंट्रोल कर सकता है। पैट्रिक कैथी के सोशल मीडिया को ब्राउज करना शुरू करता है और उसकी तस्वीरें देखता है। जब उसे एड के साथ उसकी एक फोटो मिलती है तो उसे जलन महसूस होती है। अगले दिन कैथी अकेले पैट्रिक के पास जाती है और पूछती है कि उसने डॉक्टर के सामने रिएक्ट क्यों नहीं किया था। वो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स का उपयोग करके पास के कंप्यूटर में सीक्रेट शब्द टाइप करके जवाब देता है। ये कैथी को चौंका देता है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे, पावला वहां आती है और मॉनिटर पर शब्द गायब हो जाता है। शाम को कैथी एड से मिलती है और वे आखिरकार अपने रिश्ते के मुद्दों को सुलझा लेते हैं। वे लंबे समय तक बात करते हैं और एड खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। इस समय उसे एक अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आती है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि ये कौन है, पैट्रिक एड पर कंट्रोल कर लेता है और उसे अपना हाथ ग्रिल पर रखने के लिए मजबूर करता है। बाद में जब कैथी किचन में पहुंचती है तो वो एड के हाथ को बुरी तरह जलता हुआ देखकर डर जाती है। वो उसे अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि एड की नसें इतनी जल गई थीं कि वो दर्द भी महसूस नहीं कर सकता था। इस भयानक दुर्घटना के बावजूद कैथी वार्ड में वापस आती है और पैट्रिक से बात करने की कोशिश करती है। उसे आश्चर्य होता है कि वो एक बार फिर कंप्यूटर के जरिए जवाब देना शुरू कर देता है। कैथी पूछती है कि क्या वो चाहता है कि डॉक्टर उसे टॉर्चर करना बंद कर दे, लेकिन वो मना कर देता है। जब वो पूछती है कि वो सिर्फ उससे ही क्यों बात करता है, तो पैट्रिक जवाब देता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसने हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव किया है। बाद में जब डॉक्टर पैट्रिक पर एक और दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हैं तो कैथी विरोध करने की कोशिश करती है। वह तर्क देती है कि ये प्रोसेस अमानवीय है, लेकिन डॉक्टर उसे अपना काम करने के लिए कहता है। शाम को कैथी ब्रायन से मिलती है और उसे डॉक्टर रोजेट द्वारा किए जा रहे क्रूर प्रयोगों के बारे में सब कुछ बताती है। वो ये भी कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो पैट्रिक अपनी जान गंवा सकता है। ये सुनकर ब्रायन चौंक जाता है और वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए अपने रिपोर्टर दोस्तों से बात करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर रोजेट कैथी द्वारा फैलाए अफवाहों से काफी नाराज हैं। वे कैथी के पास आते हैं और बताते हैं कि ब्रायन उसे कॉल करके कई तरह के सवाल पूछ रहा है। हालांकि कैथी इस बारे में कुछ भी जानने से इनकार करती है और चली जाती है। बाद में वो पैट्रिक से कहती है कि वो उसकी मदद करने जा रही है
और वो जल्द ही रोजेट के एक्सपेरिमेंट से मुक्त हो जाएगा। लेकिन पैट्रिक जवाब देता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है और वो चाहता है कि चीजें वैसी ही रहें जैसी वे हैं। तभी घड़ी 7 बजाती है और फ्रेजर लाइट हाउस को चालू करता है। इससे वोल्टेज कम हो जाता है जिससे पैट्रिक की टाइपिंग रुक जाती है। उस शाम ब्रायन जांच करने के लिए अस्पताल जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में कैथी को कॉल करने की कोशिश करता है। हालांकि उसका फोन अचानक गर्म हो जाता है, इतना कि उसकी कार की सीट भी जल जाती है। पता चलता है कि पैट्रिक ने ब्रायन के फोन और कार पर कंट्रोल कर लिया है। एक्सीलरेटर पेडल को दबाया जाता है और ब्रेक पेडल भी काम करना बंद कर देता है। कार को कंट्रोल न करने की वजह से ब्रायन की कार आखिरकार एक चट्टान से गिरकर ब्रायन की मौत हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर रोजेट अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखता है, लेकिन कैथी को अब ये देखा नहीं जाता। इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट को रोकने की कोशिश करने लगती है और बिजली के झटके देने वाले उपकरण को हटा देती है। लेकिन इससे पैट्रिक की हार्ट बीट मॉनिटर पर फ्लैट लाइन दिखाने लगती है। पाउला जल्दी से उस पर CPR की कोशिश करती है, जबकि कैथी एड्रेनालाइन इंजेक्शन लगाती है। आखिर में पैट्रिक को वापस जिंदा कर दिया जाता है, लेकिन कैसिडी गुस्से में दोनों नर्सों को बाहर निकाल देती है। बाद में कैसिडी अपने पापा पर गुस्सा करती है और उनसे प्रयोग बंद करने को कहती है। कैसिडी का मानना है कि पैट्रिक उनके जीवन में पनौती के रूप में आया था और अब वो उन सभी मरीजों को खत्म करने जा रही है। लेकिन उक्त डॉक्टर जवाब देते हैं कि वे सफल होने के कगार पर है और इस एक्सपेरिमेंट को रोक नहीं सकते। इस बीच कैथी ब्रायन की मौत की खबर सुनती है और गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत डॉक्टर रोजेट से भिड़ जाती है और उन पर इसे अंजाम देने का आरोप लगाती है। हालांकि उस वक्त डॉक्टर रोजेट को भी पता नहीं होता कि कैथी किस बारे में बात कर रही है। अब डॉक्टर रोजेट कैथी के बर्ताव से उसे मौके पर ही नौकरी से निकाल देते हैं। अगले दिन कैसिडी एक जानलेवा इंजेक्शन लेती है और कैथी के घर उसे मारने जाती है। हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो कैसिडी ही थी जिसने फिल्म की शुरुआत में नर्स को मार डाला था। घर आने पर कैसिडी कैथी को चेतावनी देती है कि वो फिर कभी क्लिनिक में ना आए। वो मानती है कि वो और उसके पिता भयानक चीजों के लिए दोषी हैं, लेकिन असली शैतान तो पैट्रिक है। फिर वो कैथी को पैट्रिक की अस्पताल की एक फाइल सौंपती है और उसे फिर से चेतावनी देती है कि उसका प्यार जरूरत से ज्यादा खतरनाक है। कैसिडी ये भी बताती है कि असल में आज वो उसे मारने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब वो इन सारी चीजों से बहुत थक गई है। कैसिडी के जाने के बाद कैथी ने फाइल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और पता चला कि पैट्रिक अपनी माँ से बहुत नफरत करता था। एक दिन जब उसने अपनी माँ को उसके प्रेमी के साथ बाथटब में पाया तो उसने पानी में एक टोस्टर फेंक कर उन दोनों को मार डाला। फिर उसने खुद को बिजली का झटका देने के लिए अपने हाथों को बाथटब में डुबोया, जिससे वो कोमा में चला गया। अस्पताल में वापस कैसिडी अपने पिता को एक मरीज के घर भेजती है जो गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वो पाउला को शहर जाने और कुछ मेडिकल सप्लाईज खरीदने को कहती है। वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर करता है। इस बीच कैथी नहा रही होती है तो उसे पता चलता है कि पैट्रिक की टेलीकिनेटिक पावर्स उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो समझती है कि ब्रायन और एड के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए पैट्रिक ही जिम्मेदार है। चिंतित होकर वो तुरंत अपने प्रेमी को फोन करती है और उसे जल्द से जल्द शहर छोड़ने के लिए कहती है। तभी उसके भाप से भरे शीशे पर तुम मेरी हो कहते हुए एक संदेश दिखाई देता है। कैथी गुस्सा होकर पैट्रिक पर चिल्लाती है और उसे बुरा भला कहती है, लेकिन इससे वो और भी गुस्सा हो जाता है और वो शीशे को ब्लास्ट कर देता है जिससे उसके हाथ घायल हो जाते हैं। दूसरी ओर कैसिडी अस्पताल के बेसमेंट में जाती है। वो बिजली और पैट्रिक को जिंदा रखने वाली मशीनों को बंद करना चाहती है, लेकिन पैट्रिक कमरे के चारों ओर के तारों को कंट्रोल करता है और तुरंत कैसिडी को बिजली का झटका देकर मार देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर रोजेट अस्पताल में वापस आते हैं और अपनी बेटी की तलाश करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करते समय पैट्रिक उसे लैबोरेटरी में बंद कर देता है। आने वाला अगला शख्स एड है, जो कैथी के मैसेज के कारण उसके लिए चिंतित है। वो पाउला से टकराता है जो अब पैट्रिक के कंट्रोल में है। एड उससे कैथी के बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। इसलिए एड उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन पाउला उसे एक फ्रीजर में फंसा देती है। कुछ देर बाद कैथी अस्पताल पहुंचती है, जहां सभी मरीज अचानक उठ गए हैं। वे सभी पैट्रिक को हैंड जॉब चाहिए का नारा लगाने लगते हैं, जिससे वो अजीब महसूस करती है और साथ ही डर भी जाती है। यहां पता चलता है कि पैट्रिक ने सभी मरीजों को कंट्रोल किया था। जैसे ही कैथी भागने की कोशिश करती है, वो पाउला से मिलती है, जो अभी भी पैट्रिक के कंट्रोल में है। वो उसे लिफ्ट के दरवाजे तक ले जाती है। दरवाजा खुल जाता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है,
लेकिन राहत की बात ये थी कि पाउला को चोट नहीं लगी, जिससे कैथी को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि पैट्रिक ऊपर से लिफ्ट को छोड़ देता है और नर्स को कुचलकर मार देता है। इसके बाद परेशान कैथी रूम नंबर 15 में जाती है। वहां उसे पैट्रिक का एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उससे प्यार करता है। कैथी उस पर चिल्लाती है, पूछती है कि क्या ये वही प्यार है जो वो अपनी माँ के लिए महसूस करता है। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और बस उसे बताता है कि उसने एड को कहीं बंद कर दिया है। इससे कैथी को एड की चिंता होने लगती है और वो एड की तलाश में अस्पताल के चारों ओर दौड़ती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जल्द ही वो लैबोरेटरी में पहुंचती है, जहां डॉक्टर रोजेट जिंदा मेंढक खाते हुए दिखाई देता है। वो कहता है कि पागल मरीज ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। रोजेट फिर अचानक कमरे से भाग जाता है, लेकिन अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे कैथी अंदर फंस जाती है। इसके बाद वे एक जानलेवा सिरिंज लेकर पैट्रिक को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि उन्हें कमरे से बाहर फेंक दिया जाता है और डॉक्टर पर अपने आप इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस का इस्तेमाल होने लगता है। फ्रेजर रोजेट को दर्द में देखता है और इलेक्ट्रिक शॉक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस को वो एक दर्दनाक मौत मरता है। जब ये सब हो रहा होता है, कैथी भागने में कामयाब हो जाती है और एड को फ्रीजर में फंसा हुआ पाती है। वो उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी नर्स जो शुरू में मारी गई थी, वो अब फ्रीजर के अंदर जागती है। ये पता चलता है कि पैट्रिक उसे कठपुतली की तरह कोमाटोज से कंट्रोल कर रहा है। वो फिर एड के पास जाती है और उसका गला घोंटना शुरू कर देती है। इससे कैथी डर जाती है और वो पैट्रिक से अपने प्रेमी को बचाने की भीख मांगती है। जवाब में पैट्रिक उसे एक मैसेज भेजता है, जिसमें बताया जाता है कि अगर वो उसकी बात मान जाए तो वो उसके प्रेमी को छोड़ देगा। ये सुनकर बेचारी कैथी के पास उसकी मांगों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। पैट्रिक फिर उसे जानलेवा इंजेक्शन देता है और उसे एक ऑप्शन चुनने के लिए मजबूर करता है। वो कहता है कि उसे या तो खुद को इंजेक्शन लगाना होगा और उसके साथ रहना होगा, या फिर एड को मरने देना होगा। कैथी कुछ देर सोचती रहती है, लेकिन वो घड़ी पर भी नजर रखती है, ये जानते हुए कि लाइट हाउस लैंप जल्द ही चालू हो जाएगा। समय को टालने के लिए वो पैट्रिक से फिजूल की बातें करने की कोशिश करती है और लीचे अपने प्यार का इजहार करती है। जब घड़ी में 7 बजाते हैं तो फ्रेजर लाइट हाउस चालू कर देता है, जिससे बिजली का वोल्टेज कम हो जाता है। अंधेरे का पूरा फायदा उठाकर कैथी पैट्रिक के दिल में वही सिरिंज डाल देती है। जैसे जैसे पैट्रिक की जान जाती है, फ्रीजर में मरी हुई नर्स का शरीर भी कमजोर होता जाता है। इससे आखिरकार एड को सांस लेने में आसानी होती है और वो फरीब फ्रीजर से बाहर निकल आता है। फिर दोनों प्रेमी भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि पैट्रिक का शरीर खिड़की से बाहर फेंका गया है। वो बाट पर गिरता है और पैट्रिक के दिल में घुस जाता है। इस तरह पैट्रिक की मौत हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।